नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आप सबके चैनल एमडी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो कॉन की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपने अपने टीवी के अंदर वीडियो कॉन डीटूएच का रिचार्ज करवा रखा है और वीडियो कॉन डीटूएच लगवा रखा है, डिश टीवी लगवा रखी है, चाहे किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों, एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम आपके सामने फेस आउट होती होगी कभी ना कभी, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उसको सही करने की कोशिश भी करते हैं पर वो सही नहीं होती है, जिसका नाम होता है नो सिग्नल। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपके जो देख सकते हैं जैसे कि आपको सारे चैनल्स दिख जाते हैं बट आपके कोई भी चैनल वर्क नहीं करेगा, नो सिग्नल का ऑप्शन आ जाता है। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो इन केसेस में आप क्या करते हैं, किसी भी वीडियो कॉल वाले को बुलाते हैं या फिर उसको काफ़ी अमाउंट देते हैं, उसके बाद वो उसे सही करके जाता है। तो इससे अच्छा कि आप उसे 1 मिनट के अंदर आप खुद घर बैठे उसको सही कर सकते हैं। तो कैसे सही कर सकते हैं, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको सही करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए आता रहता हूँ डेली बेसिस पे। अगर और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मेरे इस वीडियो के कमेंट पर। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो पीछे वायर होता है डी2एच के अंदर, उसे आप ओपन कर लेंगे। ये वाले वायर को आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, इस वायर को आप ओपन कर लेंगे इसके अंदर। इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, अपने सेटिंग्स में जाएंगे, जहाँ पे आपके मेन्यूज़ वगैरह आते हैं वहाँ पर आप जाकर उस सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है प्रोग्राम एडिट का। प्रोग्राम एडिट को क्लिक करने के बाद आप सारे जितने भी चैनल्स हैं वापस से डिलीट मार दीजिए एक बार के लिए। आप एक बार उसे डिलीट मार देंगे तो वापस से सारे चैनल रिस्टॉल हो जाएंगे। इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा दोस्तों, तो इससे बेफिक्र होकर इसे डिलीट मार दीजिए। जैसे आप डिलीट कर देते हैं उसके बाद आपके यहाँ पे वापस से आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, आपका वायर है पीछे वापस लगा लेना है ताकि वो उसके सिग्नल्स को पकड़ सके और वापस से चैनल फाइंड आउट कर सके। तो अब उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपली अपने सेटिंग्स में जाने के बाद वापस से आपका प्रोग्राम सेटअप पे जाना है। यहाँ पे आपको सारे जितने भी चैनल्स हैं वो ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएंगे सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, इतना टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद आपका डिश टीवी रिचार्ज सही हो जाएगा, आपका जो भी लाइक चैनल है सारे चैनल वापस आ जाएंगे और आपका जो भी डिश है जिस भी कंपनी की आपने लगा रखी है वह प्रॉपर वर्क करेगी। तो इस तरह से आप अपने इस वीडियो कॉन या फिर किसी भी कंपनी के डिश टीवी रिचार्ज को सही कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर हेल्प मिली हो तो आप मेरे को कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।